नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टर एट द रेट राय एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं सरलीकरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है कोष्टक में, माइनस टू पर घात क्या दिखा है, -2। अर्थात इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे -2, हो गया। अब ये देखिए, ऊपर जितने भी ये घात हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ऊपर जितने भी घात होते हैं, पहला आधार जो होता है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख दिया। अब ये जो घाते हैं ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब इस तरह से सवाल दिया हो तो आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा -2 × -2 × -2। अब क्या होगा, -2 पर घात क्या हो जाएगा। अब देखिए, 2 × 4 × 8 यानी 8 आएगा यहां पे, लेकिन माइनस से माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस बचा, अब तो प्लस में फिर माइनस का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहां पे माइनस का 8 हो जाएगा। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पे दिया -2 पर घात -8 है। जब इस तरह से कंडीशन हो, a पर घात माइनस बी हो, तो इसको चेंज करने के लिए तुरंत लिखेंगे 1 / -a पर घात। तो ये माइनस वाला जो घात होता है तुरंत प्लस में हो जाता है, 1 / -a पर घात b हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 / -2 पर घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 1 / अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -2 पर घात कितना है, 8, यानी -2 का गुणा कितने बार करेंगे, 8 बार। तो यहाँ पे करिए गुणा, एक दो तीन चार पांच छह सात, और एक बार करेंगे -2 का, 8। अब देखिए यहां पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस आ गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से इसको करेंगे आप, तो ये सारे माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, देखिए यहां पर इजीली तरीका से आप जान सकते हैं, यदि घात प्लस सम संख्या हो, यदि घात सम संख्या हो तो तुरंत ये प्लस हो जाएंगे सभी, यदि विषम संख्या रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो सम संख्या दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 / ये सब माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इसको उड़ा कर लेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, यानी 1 / 256 इसका राइट आंसर। विद्यार्थी आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है सरलीकरण से ही संबंधित, सरलीकरण चैप्टर से। आज का ये सरलीकरण का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो लिखा हूं। अब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आगे आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब ये सरलीकरण चैप्टर से बस इतना ही सवाल है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आगे अगला वीडियो में डालेंगे अगले चैप्टर का। अब अगला चैप्टर कौन सा रहेगा, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कौन सा चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊं, अन्यथा हम अपने आप वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में दिया है कि 10 / 3x बराबर उसका मान कितना है, 125। तो 10 / -2x का मान क्या होगा, यही पूछा है हमसे कि यदि 10 / 3x बराबर 125 तो 10 / -2x का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 / 3x बराबर, अब इसको देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 10 / 3x बराबर, ये क्या हो जाएगा, 5 / 3, क्योंकि 5 का गुणा कितनी बार किया गया है, 3 बार। तो 5 / क्या हो जाएगा, 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 10 / x और कोष्टक लगाएंगे और बाहर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही होगा, 3 × x में जाएगा और 3x, तो इतना ही आ जाएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। आगे क्या दिया है, 5 / 3 दिया है।
फिर अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पर घात। अब देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि घात बराबर हो तो आधार आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, इतना पूरा ये आधार हो जाएगा, तो घात जब बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पर घात x बराबर, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया, अब हमसे पूछा है 10 पर घात -2x, 10 पर घात -2x का क्या पूछा है, मान पूछा है। तो इसको हल करने के लिए अभी मैं पिछली सवाल में बताया हूं कि यदि a पर घात -b हो तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, 1/a/b हो जाता है, हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 पर घात x और इस पर घात क्या लिखेंगे, -2। अब यहां पर देखिए आप कि 10 पर घात x और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ऊपर -2 लिख दिया है, इसका मतलब कि इसको हम इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस रूप में क्यों लिखें, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि 10 पर घात x का मान आ गया है, तो 10 पर घात x का मान कितना है, 5। तो यहां पर हम इस पूरे क्वेश्चन में जो लिखा है 10 पर घात x, तो इसका मान कितना दिया है, 5। तो हम इसको 5 लिखेंगे और कोष्टक को बंद करेंगे, ऊपर क्या लगा है, -2, तो -2 लिखेंगे। अब इस सूत्र के आधार पर इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/5/2, माइनस का था प्लस का 2 हो जाएगा उस सूत्र के हिसाब से। अब यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5/5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1/25 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो विद्यार्थी अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।